नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान में स्थानीय लोगों की जमीन पर कब्जा कर रही है और ऐसा कर सेना स्थानीय लोगों को अपनी ही जमीन से बेदखल कर रही है और वहां देश के दूसरे इलाके के लोगों को बसाकर जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक बदलाव कर रही है। स्थानीय लोग इसके खिलाफ सेना के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी ही एक घटना गिलगित बल्तिस्तान के नौपुरा में घटी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गिलगित में जनसंख्या बदलाव सुनिश्चित करने के लिए यहां पाकिस्तानी सेना जबरदस्ती 500 कैनाल जमीन पर कब्जा कर रही है। वर्तमान में ये जमीन नौपुरा के स्थानीय आबादी के स्वामित्व में है। पाकिस्तानी सेना द्वारा जमीन पर कब्जा करने के विरोध में स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर एक रैली आयोजित की। इस दौरान पाकिस्तानी सेना और स्थानीय लोगों के बीच आमना सामना भी हुआ। स्थानीय लोगों ने सेना के जवानों पर पथराव किया और सेना विरोधी नारे भी लगाए। बंजर भूमि पर है सरकार का कब्जा। स्थानीय लोगों में गिलगित बल्तिस्तान में मौजूदा भूमि कानूनों के खिलाफ लगातार असंतोष है। स्थानीय लोग पुरानी खालसा सरकार यानी राज्य भूमि नियम 1978 और उससे संबंधित बाद के कानूनों को निरस्त करना चाहते हैं। इस कानून के तहत राज्य की सभी बंजर भूमि सरकारी स्वामित्व में है। इस कानून का इस्तेमाल कर पाकिस्तान की सरकार गिलगित बल्तिस्तान के मूल निवासियों को उनके अधिकारों से वंचित कर रही है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।